वेलकम हेयर। इस वीडियो के अंदर हम ट्रेंड्स डिस्कस करने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर कि किस तरीके से प्रॉपर्टी वेरी करती है पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर। तो 13 ग्रुप की मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आप लोगों ने डिमांड की थी कि बाकी के जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनकी भी हम इस तरीके से चिट्स फॉर्म करके डिस्कस करें वीडियो के अंदर, तो यहाँ पे हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको 13 ग्रुप की वीडियो चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन से आप उसका लिंक ले लेना। अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे हम 14 ग्रुप के एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले इन एलिमेंट्स को लर्न कैसे करेंगे उसके लिए क्या ट्रिक है, कौन सी, गीता, स्नेहा, प्रभा, ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। तो इसे हम कैसे लर्न कर सकते हैं, कौन सी, गीता, स्नेहा, प्रभा, इस तरीके से। अब बात करते हैं इसके एटॉमिक नंबर को लर्न करने की कि वो कैसे लर्न होंगे। तो वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि एक मैजिक नंबर की हेल्प से आप इनके एटॉमिक नंबर लर्न कर सकते हो। दोबारा से देख लेते हैं कैसे लर्न करेंगे। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर आई थिंक सबको लर्न होगा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। अब हमारे को अगर सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर नहीं पता है तो हमें क्या करना है, कार्बन के एटॉमिक नंबर में 8 ऐड कर दो। कार्बन के एटॉमिक नंबर में 8 ऐड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर, दैट इज 14, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको जर्मेनियम का नहीं पता है कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपने सिलिकॉन का निकाल लिया 14 में आपको क्या ऐड कर देना है, 18। तो हमारे मैजिक नंबर्स हैं क्या, पहले वो लिख लो साइड में ताकि आपको ईजी रहे, 8, 18, 18 एंड 32, ठीक है। तो हम कार्बन के अंदर 6 के अंदर हमने 8 ऐड कर दिया तो हमारे पास सिलिकॉन का आ गया। अब इसी तरीके से सिलिकॉन के अंदर हम 18 ऐड कर देंगे तो हमारे पास किसका आ जाएगा, जर्मेनियम का, दैट इज 32। इसी तरीके से अगर हमारे को टिन का निकालना है तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, 32 के अंदर फिर से क्या ऐड कर देंगे, 18, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको इजिली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं। अब बात करें अगर लेड की, तो यहाँ पे हमारे पास 50 है ही टिन का, इसके अंदर हमें क्या ऐड कर देना है, 32। तो एक सेकेंड, हाँ 32 ऐड कर देंगे तो हमारे पास किसका आ जाएगा एटॉमिक नंबर, लेड का। तो इन मैजिक नंबर की हेल्प से बस हमारे को फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, बाकी में आप ये ऐड करते जाओ 8, 18, 18, 32 और बाकी सारे एलिमेंट्स के आप एटॉमिक नंबर इसकी हेल्प से निकाल सकते हो। अब यहाँ पे एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, डेंसिटी की अगर हम बात करें या फिर मेटेलिक करेक्टर की बात करें तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज होता है हमारा एटॉमिक रेडियाई भी, आयनिक रेडियाई भी, डेंसिटी भी एंड मेटेलिक करेक्टर इन 14 ग्रुप एलिमेंट। तो आपको ये चार प्रॉपर्टीज सिंपल से एक चिट से लर्न हो गई कि इनमें से कोई भी प्रॉपर्टीज अगर आप आपसे पूछ लें तो ये सारी क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं डाउन द ग्रुप। इसे हटा देती हूँ, सेकंड अनदर प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। अब अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट की, आयनाइजेशन एनर्जी की या फिर टेंडेंसी फॉर कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होता है कि आपस में बॉन्ड बनाने की टेंडेंसीज। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन है तो कार्बन आपस में अपने बॉन्ड बना करके डायमंड, ग्रेफाइट, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स फॉर्म करती है। तो ये सारी जो चारों की चारों प्रॉपर्टीज हैं डिक्रीज होती हैं डाउन द ग्रुप। तो हमने क्या सीखा, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो ये वाली जो 4 प्रॉपर्टीज थी ये इंक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप, और ये वाली जो हमारी 4 प्रॉपर्टीज है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आयनाइजेशन एनर्जी एंड टेंडेंसी फॉर कैटेनेशन, डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि वैसे तो हमारी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज ही होती है डाउन द ग्रुप, लेकिन जो लेड है उसकी हाईली थोड़ी सी एनर्जी जो है, आयनाइजेशन एनर्जी स्लाइटली ज़्यादा होती है टिन से, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वैसे तो डिक्रीज ही होगी आयनाइजेशन एनर्जी, लेकिन लेड की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा है किससे, टिन से। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखो अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो कार्बन से सिलिकॉन की तरफ जब जाते हैं तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज होती है। इसके बाद बाकी की जो तीनों एलिमेंट हैं इनके अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो इतना लर्न हो गया। तो आप अभी तक क्या क्या लर्न कर चुके हो, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, डेंसिटी, मेटेलिक करेक्टर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, टेंडेंसी फॉर कैटेनेशन, आयनाइजेशन एनर्जी अलॉन्ग विद दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज आपने बस 3 to 4 कार्ड्स के अंदर सीख ली। अब अनदर कार्ड डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें इनके ऑक्साइड्स की, जो हमारा 14 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं ऑक्साइड बनाते हैं किसके साथ बनाते हैं, ऑक्सीजन के साथ। तो जो कार्बन का ऑक्साइड है वो कैसा होता है, न्यूट्रल, और ये मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है। सिलिकॉन को ध्यान रखना है ये मोनोऑक्साइड फॉर्म नहीं करता है। इसके अलावा जो हमारे बाकी के ये तीनों एलिमेंट हैं, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, ये बेसिक मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। इतना लर्न हो गया। तो सिलिकॉन का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, ये मोनोऑक्साइड नहीं फॉर्म करता है। आगे चलते हैं। तो अभी हमने इनके मोनोऑक्साइड्स के बारे में बात की थी। अगर डाइऑक्साइड्स के बात करें, फॉर एग्जांपल जैसे सी कार्बन का हो गया CO2, इस तरीके से, तो जो कार्बन और सिलिकॉन है इनके जो डाइऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होती हैं। जर्मेनियम का वीकली एसिडिक और वीकली बेसिक इन नेचर होता है, यानी कि वो एसिडिक और बेसिक दोनों वीकली प्रॉपर्टीज शो करता है। और जो टिन और लेड है ये एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं, इनके जो डाइऑक्साइड्स होते हैं। इतना क्लियर हो गया। सेकंड अनदर प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देख
हमारा कार्बन और सिलिकॉन है ये क्या है, नॉन मेटल्स हैं, जर्मेनियम मेटलॉइड्स है, और जो टिन और लेड है ये क्या है, मेटल है। तो पहले नॉन मेटल्स थे, हमने पढ़ा भी था स्टार्टिंग में अगर आपको याद हो कि जो मेटल करेक्टर है वो डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो पहले वाले हमारे नॉन मेटल्स हैं, जर्मेनियम मेटलॉइड्स है, और टिन और लेड क्या है, हमारे मेटल्स हैं। इसके बाद अगर हम बात करें एलोट्रॉप्स की, तो कार्बन जो है हमारा एलोट्रॉप्स फॉर्म करता है, इसके अलावा सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन भी लेड फॉर्म करते हैं, पर जो हमारा लेड है वो एलोट्रॉप्स फॉर्म नहीं करता है। इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इनकी स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स या फिर हाइड्राइड्स के बारे में। तो जो स्टेबिलिटी है ऑफ टेट्रा हैलाइड्स डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। टेट्रा हैलाइड्स का क्या मतलब है, कोई भी हमारा ये पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया, फॉर एग्जांपल इसे एम से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और एक्स क्या हो गई, हमारे हैलोजन्स हो गए। तो जो टेट्रा हैलाइड्स की स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज करती जाती है डाउन द ग्रुप। और अगर बात करें स्टेबिलिटी ऑफ डाई हैलाइड्स की, इंक्रीज कर जाती है डाउन द ग्रुप। तो अगर आपको से क्वेश्चन इस तरीके से आता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेड एक्स फोर लिखा हुआ है और आपसे एक सेकंड क्वेश्चन है लेड एक्स टू, और आपसे पूछ ले कि इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा। तो हमने अभी अभी पढ़ा कि जो स्टेबिलिटी है टेट्रा हैलाइड्स की वो नीचे जाते जाते डिक्रीज कर जाती है, यानी कि ये तो अनस्टेबल होगा, और स्टेबिलिटी डाई हैलाइड्स की इंक्रीज कर जाती है डाउन द ग्रुप। तो इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला हमारा डाई हैलाइड्स वाला ज्यादा स्टेबल होगा। सेम चीज हमारे हाइड्राइड्स के लिए भी फॉलो होती है, स्टेबिलिटी जो हमारी टेट्रा हाइड्राइड्स की है वो डिक्रीज कर जाती है डाउन द ग्रुप, और डाई हाइड्राइड्स की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज कर जाती है डाउन द ग्रुप। अगर हाइड्राइड्स के आपको एग्जांपल देखने हैं, तो फॉर एग्जांपल जैसे मीथेन है, तो ये क्या है, हमारा टेट्रा हाइड्राइड्स। यहाँ पे फोर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स एटम्स हैं, तो यहाँ पे इसे हम क्या बोल रहे हैं, टेट्रा हाइड्राइड्स। इसी तरीके से टेट्रा हैलाइड्स थे, यहाँ पे हमारे पास चार हाइड्रोजन्स के एटम थे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि हमारा CH4 तो स्टेबल है, लेकिन नीचे जाते जाते जो स्टेबिलिटी है टेट्रा हाइड्राइड्स की या फिर टेट्रा हैलाइड्स हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा, तो उनकी स्टेबिलिटी नीचे जाते जाते डिक्रीज कर जाती है। तो ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखना कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, तो ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। आगे चलते हैं, अब ये लास्ट कार्ड है। तो यहाँ पे ये लास्ट कार्ड है, इस कार्ड के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, +4 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि नीचे जाते जाते कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, किसकी डिक्रीज करती है। तो स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज डाउन द ग्रुप, यानी कि जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करने की टेंडेंसी कम होती जाती है, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करने की टेंडेंसी इंक्रीज करती जाती है। फिर से यहाँ पे ये सेम क्वेश्चन आ सकता है कि लेड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होता है या फिर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि लेड जो है हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है, क्यों, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप। तो लेड हमारा +2 में ज़्यादा स्टेबल होगा इन कम्पेयर टू +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। और अगर हम बात करें कार्बन की, तो ये +4 में ज़्यादा स्टेबल है इन कम्पेयर टू +2। अब इसका रीज़न क्या है कि नीचे जाते जाते +4 की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है और +2 की इंक्रीज हो रही है, रीज़न क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में, तो मैं शॉर्ट में बता रही हूँ यहाँ पर इसे। अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, फिर हम अनदर वीडियो के अंदर इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर शॉर्ट में बता देती हूँ। इनर्ट पेयर इफेक्ट है क्या, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते जाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए 4F 5D यानी कि F और D ऑर्बिटल्स को हम यूज़ करने लगते हैं जैसे जैसे नीचे जाते जाते हैं। तो जो F और D ऑर्बिटल्स हैं, इनकी पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, तो जो न्यूक्लियस का इफेक्ट है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक ईजिली जाता है, तो इलेक्ट्रॉन ईजिली बाहर नहीं निकल पाते, जिसकी वजह से ये बस +2 तक ऑक्सीडेशन स्टेट को ही शो कर पाते हैं, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं कर पाते। इन शॉर्ट जो हमारा इनर्ट पेयर इफेक्ट है, ये किससे रिलेटेड है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ एंड डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ये वीडियो एंड होती है। इस वीडियो के अंदर आपने 14 ग्रुप के जितने भी ट्रेंड्स थे वो मैंने यहाँ पे आपको चिट्स की हेल्प से बता दिए हैं। अनदर वीडियो के अंदर हम 15 ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लग रही है, तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको इस तरीके की और वीडियोज़ टाइम टू टाइम अवेलेबल होती रहे। नाउ थैंक यू एंड बाय बाय।